झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर रांची के कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर लगातार विभिन्न राजनीतिक संगठन के नेताओं का तांता लगा रहा। इस दौरान नेताओं ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राज्य के विकास के नाम पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहे। साल के 364 दिन शहर की गंदगी और धूल फांकने के बाद आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल में अलग ही चमक दिखाई पड़ी। नेताओं की तरहीज साफ देखने को मिल रही थी। झारखंड राज्य के राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री, सभी लोग बारी बारी से आकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राज्य के विकास की बात करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी किए। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सबसे पहले राज्य से भ्रष्टाचार, शोषण और गरीबी समाप्त हो, तभी बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। साथ ही उन्होंने झारखंड के युवाओं को भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेने की बात भी कही। भगवान बिरसा मुंडा की सोच के अनुसार रहे, इस राज्य से शोषण और गरीबी समाप्त हो, तभी जाकर भगवान बिरसा मुंडा की सच्ची श्रद्धांजलि। इस मौके पर बिरसा की समाधि स्थल पर माल्यार्पण करने के बाद नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 18 वर्षों के सफर में झारखंड में कई उतार चढ़ाव आए। झारखंड काफी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद मानो तो आपदा आ गई। सरकार स्थापना दिवस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर जश्न मना रही है। प्रतीत होता है कि राज्य के दो चेहरे हैं, पहला पूंजीपतियों का और दूसरा गरीब मजदूरों और किसानों का। यानी सरकार का पूरा महकमा राज्यवासियों से खेल खेल रहा है। सरकार राज्य की समस्याओं को भूल रंगारंग कार्यक्रम में झूम रही है और इसी के चलते कहा जा सकता है कि राज्य का विकास अभी तक थम गया है। आंदोलनकारी धरती पुत्रों को नमन करता हूं और आज का दिन झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। आज झारखंड का स्थापना दिवस भी है और ये 18वां स्थापना दिवस झारखंड का है और आप सब लोगों को मालूम है कि किस तरीके से इन 18 सालों में इस राज्य ने कई एक उतार चढ़ाव देखे और इन उतार चढ़ाव में झारखंड किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को अपनी ओर से पूरे बिरसाइत परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा के योगदान को अपने राजनीतिक जीवन में आदर्श मानते हुए उन्हें शामिल करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस धरती आबा को सामने रखकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था, इस गठन के पीछे के संघर्ष और उद्देश्यों को निश्चित रूप से स्थापित करना सरकार और हर व्यक्ति का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 18वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन पुनर्मूल्यांकन की जरूरत भी है। जिन विषयों को लेकर इतनी बड़ी शक्ति एकत्रित हुई है और उनका योगदान रहा है, लंबा समय बीत जाने के बाद भी हम स्थापित कर पाए या नहीं, इसका मूल्यांकन करना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं मैं यह महसूस करता हूँ कि बड़ी आज़ादी के हृदय में अब भी सवाल हैं जो सुलझे नहीं हैं। उनके मूर्ति पर और समाधि स्थल पर आज हैं और हम कह सकते हैं कि जिन मूल्यों को लेकर और उनके सपनों को लेकर 15 नवंबर को इस राज्य की आज़ादी का दिन चुना गया, तो एक पॉलिटिकली राजनीतिक निर्णय था कि हमने ये धरती के सबसे बड़े सपूत जिन्होंने अपनी संघर्ष से इस देश में अपनी पहचान अलग की है और लड़ाई का एक अलग स्तर तैयार किया है, इस नौजवान नेतृत्व के को सामने रखकर हमने इस प्रदेश को बिहार से किया, अलग राज्य का स्थापना हुआ। तो इतने संघर्ष, लगभग 100 साल के संघर्ष का या उससे पहले के स्थापित अपने मूल्यों पर, खासकर इस जल जंगल जमीन जैसे आधारित इस राज्य को, उस पर स्वामित्व को लेकर लड़ाई लड़ी जो गई थी, उसको लेकर जो स्थापित बातें हुई थी, वो बातें आज कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। इन पर पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इधर बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने बिरसा मुंडा के पैतृक गांव का वर्णन करते हुए राज्य सरकार पर विभिन्न आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का पैतृक गांव ही इस बात का प्रतीक है कि झारखंड कितना विकसित हुआ है। जो चमक धमक दिख रहा है वह सिर्फ गुमराह करने योग्य है। लोग भूख से मर रहे हैं, किसान ऋण के अभाव में मर रहे हैं, तो क्या यही सरकार की उपलब्धि है? कुल मिलाकर विभिन्न आरोपों के साथ इन सभी के जिम्मेदार राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास को ठहराया। आजम जिन्हें हम भगवान के तौर पे देश की आजादी के शुरुआती अगुआ में मानते रहे हैं, उनकी समाधि पे आप 18 साल का झारखंड की बात करते हैं। बिरसा मुंडा का पैतृक गांव ही इस बात का प्रतीक है कि काश एक गांव ही इस लायक हो जाता कि वहां आम जीवन पे लोग जी पाते, उनके घर परिवार का वंशज एक के बाद एक मर जा रहे हैं इलाज के बिना। बहरहाल धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में तब्दील हो गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या झारखंड के नेता सिर्फ राजनीति चमकाते रहेंगे या फिर राज्य के विकास के लिए भी कोई बेहतर कदम उठाएंगे? सबरंग के लिए रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट।